पंजाब में कांग्रेस के भीतर क्या हार से हताशा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। नतीजे के दो दिन बाद पार्टी के भीतर की कलह बाहर आने लगी है। बड़े नेता भी दबी जुबान में नहीं, खुलेआम कबूल कर रहे हैं कि चन्नी को पंजाब ने कबूल नहीं किया। सिद्धू होते तो क्या होता, इस पर भी जवाब दिया गया। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को भी मौका दिया जाता है, मैं समझता हूँ वो बेहतर साबित होते। जो बदलाव था, बदलाव की जो आंधी चली है, इस बदलाव को वो रोक सकते थे। सबके मन में ये सवाल था कि कांग्रेस के भीतर ये सवाल उठेंगे कि नहीं, कि अगर सिद्धू को सीएम का चेहरा बनाते तो क्या चुनाव जीत जाते। सुनील जाखड़ ने एबीपी न्यूज से बातचीत में खुलकर ये बात कह दी। पंजाब कांग्रेस में फिलहाल चन्नी सिद्धू के बाद सुनील जाखड़ तीसरे सबसे बड़े नेता है, जो ये मान रहे हैं कि सिद्धू होते तो नतीजा कुछ और होता। और प्रधान नहीं आज मैं समझता हूं सफल साबित हुए, परंतु अगर नवजोत सिंह सिद्धू को भी मौका दिया जाता, उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगता साहब, उनके ऊपर बादलों के साथ सांठगांठ का इल्जाम नहीं लगता। मैं समझता हूं वो बेहतर साबित होते। जो बदलाव था, बदलाव की जो आंधी चली है, इस बदलाव को वो रोक सकते थे। उनका जो चरित्र था, उनमें ये दो कमियां नहीं है साहब। सुनील जाखड़ ने दो टूक कहा कि पंजाब में बदलाव के नाम पर कैप्टन को जिनसे बदला गया, उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हमने चाहे बीमारी का आंकलन सही कर लिया, परंतु बीमारी का इलाज जो दवाई दी वो गलत थी। लोग चाहते थे बदलाव और हमने दी बदली। जिस व्यक्ति को आगे लेके आए, मैं नहीं समझता उसको लोगों ने स्वीकार किया। पंजाब कांग्रेस में चुनाव के पहले जो बवाल खड़ा हुआ था, उस सब के सूत्रधार कौन थे, सुनील जाखड़ ने ये भी बता दिया। के चैनल पे बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि सारी इस समस्या का जो सूत्रधार थे, उनका जो असर हुआ है उत्तराखंड में, वो आज मैं समझता हूं दिस इज ए डिवाइन इंटरवेंशन, इज ए डिवाइन जस्टिस व्हिच हैज बीन डिलीवर्ड। मैं नहीं जी, मैं हरीश जी की बात कर रहा हूँ। देखिए उत्तराखंड में जो बैठे हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। पंजाब चुनाव में कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के मुखिया रहे सुनील जाखड़ ने सारे किए धरे का ठीकरा हरीश रावत पर फोड़ दिया है। पार्टी के हर फैसले पर सवाल भी उठाया, पर आला कमान के खिलाफ कुछ नहीं कहा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।